शेख उल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी से एक ऐसा शख्स है जो वालेहाना इश्क रखता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से। इंकलाब बरपा करने के साथ जब उसकी शख्सियत बदल जाती है तो वो शख्सी इंकलाब उसके ख़ानदान को मुंतकिल होता है। शेख उल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के साथ राबता और एक ताल्लुक रहा तो वो राबता राबता ही रहा। उनको सुनने से आप रूशनास हो जाते हैं कि हकीकी इस्लाम क्या है। तमाम नौजवान शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के खिताबात गौर से सुने ताकि उनको इस्लाम की सही रूह और इस्लाम का सही पैगाम समझ आ सके। ये उस ज़माने की बात है जब हम नस्बतन नौजवान थे, 80s के दौर की बात है। मैं पाकिस्तान से बाहर रहता था, मुझे किसी ने शेखुल इस्लाम के नाम से मुतारफ़ करवाया कि एक नौजवान आलिम है जो तबलीग दीन और इनकलाब की बात करते हैं और निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं। तो शौक पैदा हुआ उनको सुनने का। मेरे बड़े भाई ने, जो कि ख़ुद भी मुश्ताक थे कि शेखुल इस्लाम को ख़ुद सुना जाए, उन्होंने उनको डेरा इस्माइल ख़ान इनवाइट किया और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी 1989 में हमारे घर तशरीफ़ लाए। उनसे गुफ्तगू हुई, उनके अफकार सुने, अफकार से वाकफियत हुई और एक चीज़ रोज़ रोशन की तरह आया हो गई कि ये एक ऐसा शख्स है जो एक तरफ वालेहाना इश्क रखता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, हकीकी दीन इस्लाम को बयान करता है इस तरीके से कि सादा ज़बान में और जो इस्लाम की असल रूह है उसके मुताबिक। इसके साथ साथ जो सियासी ख्यालात थे वो सियासी ख्यालात उनके इस्लामी फ़लसफ़ा इनकलाब, जो इनकलाब इंसान पहले अपनी ज़ात में बरपा करता है और अपनी ज़ात में इनकलाब बरपा करने के साथ जब उसकी शख्सियत बदल जाती है तो वो शख्सियत और शख्सी इनकलाब उसके ख़ानदान को मुंतकिल होता है, उससे उसके गली महल्ले को मुंतकिल होता है और आखिरकार वो जो किरदार की काया पलटना है वो पूरे मुआशरे में फैल जाती है। इसी तरह अवाइल दौर में इस्लामी मुआशरे का क़याम अमल में आया और यही तसव्वुर था शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का, एक इस्लामी फलाही मुमलिकत या इस्लामी फलाही रियासत के क़याम के। इसी चीज़ ने मुझे मुतासर किया और शेखुल इस्लाम से एक राबता और एक ताल्लुक रहा, लेकिन चूंकि मैं बैरून मुल्क था तो वो राबता राबता ही रहा। भाई मेरे एक्टिवली और ख़ानदान के दीगर अफराद एक्टिवली शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के साथ काम करते रहे और मैं जब पाकिस्तान आया तो बाकायदा तहरीक मिनहाजुल कुरान की एक्टिविटीज़ में और पाकिस्तान अवामी तहरीक की एक्टिविटीज़ में शमूलियत भी इख्तियार की और अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज इस मनसब पे मैं फ़ाइज़ हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर हकीकी इस्लाम की कोई अक्कासी कर सकता है तो वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तरबियत, उनका पैगाम, उनको सुनने से आप रूशनास हो जाते हैं कि हकीकी इस्लाम क्या है, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है और एक इस्लामी फलाही रियासत क्या है और एक इस्लामी मुआशरे के क़याम के लिए क्या अवामिल होने चाहिए, उसमें फ़र्द का क्या किरदार है, कौम और मिल्लत का क्या किरदार है, हुक्काम का क्या किरदार है और हाकिमियत का जो तसव्वुर है कि हाकिमियत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है और अगर हाकिम वक्त अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत पे पाबंद है, अल्लाह के अहकाम का पाबंद है, तो फिर वो सही हाकिम है एक इस्लामी मुमलिकत का। लेकिन अगर वो अल्लाह के अहकामात से बागी है, अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात से बागी है तो फिर वो एक इस्लामी रियासत का हाकिम नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ आज ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम नौजवान शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के अवाइल दौर से लेकर आज तक के खिताबात सुने, गौर से सुने
ताकि उनको इस्लाम की सही रूह और इस्लाम का सही पैगाम समझ आ सके।